बघे ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आइए साथियों, देखते हैं कल राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी सुर्खियां चर्चा में थी और उनकी विवेचना हम लोग यहां करते हैं। तो जो सबसे पहली खबर है, आप यहां देख पा रहे होंगे कि अल नजा फोर्थ या अल नजा चौथा, तो ये बता रहा है कि ये अल नजा का चौथा संस्करण है, ये फोर्थ एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो अल नजा है दरअसल यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो किसके किसके बीच में है, तो यहां देख रहे हैं भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना और ओमान शाही सेना के बीच में है। ये संयुक्त जो सैन्य अभ्यास होगा तो जो ओमान शाही सेना है और भारतीय थल सेना के मध्य होगा। भारतीय थल सेना यानी कि इसको इंडियन आर्मी के रूप में भी जाना जाता है, और ये जो इंडियन आर्मी होते हैं ये मिलिट्री के अंतर्गत आते हैं। दरअसल साथियों, सिक्योरिटी फोर्स को दो भागों में बांटा जाता है, एक मिलिट्री और दूसरा होता है पैरामिलिट्री। तो पैरामिलिट्री वालों का कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा की निगरानी करना, रखरखाव करना, और मिलिट्री का काम होता है राष्ट्रीय सीमा और बाहरी सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मिलिट्री के तीन भाग होते हैं, एक थल सेना जिसको इंडियन आर्मी, दो जो बच जाता है एक वायुसेना है और एक नौसेना है। तो ये दो देशों के बीच में सैन्य अभ्यास होगा, यहां पर लिखा है आप देख सकते हैं, भारतीय थल सेना और ओमान की शाही सेना के बीच में। कहां होगा तो ये राजस्थान में होगा, ये भी आपको याद रखना चाहिए। स्थान भी तो पूछ ही लेता है, किसके साथ में अल नजा पूछेगा, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ था, तो ओमान और भारत के बीच में हुआ था। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह एक थल सेना अभ्यास है, क्योंकि वायुसेना अभ्यास का नाम ईस्टर्न ब्रिज है और नौसेना अभ्यास का नाम नसीम अल बहार है, जो भारत और ओमान के बीच में होता है। और कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था राजस्थान में। यह क्यों, क्योंकि इससे पहले जो सैन्य अभ्यास हुआ था वो ओमान की राजधानी मस्कट में हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये क्यों आपस में संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में रक्षा सहयोग को बढ़ाना चाहते हैं, रक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे। और अगर रक्षा सहयोग बढ़ेगा तो रक्षा सहयोग के बढ़ने से धीरे धीरे अन्य विषयों पर भी सहयोग आगे बढ़ेगी, द्विपक्षीय जो संबंध होंगे लगातार सुधरते जाएंगे। और वैसे भी ओमान और भारत के विदेश संबंध बहुत ही मधुर हैं। इसमें कौन कौन सी गतिविधि की जाएगी, तो आप देख रहे हैं सैन्य अभ्यास किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, सैन्य उपकरण को साझा किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को लेकर शेयर किया जाएगा। और कब से कब तक हो रहा है, तो 1 से 13 अगस्त 2022 तक। इसमें और भी जो सूचना उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न यहां से बनेंगे कि अल नजा युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में था, तो भारत और ओमान के बीच में था। और यह जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, सेना का कौन सा विंग है, तो थल सेना है, और कहां हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। ये दो सैन्य अभ्यास और हैं जो ओमान के साथ होते हैं, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। आइए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। और दूसरी खबर आप यहां देख रहे हैं, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत 77 करोड़ से अधिक पोर्टेबल लेन देन किए गए हैं। तो इसको देखने के लिए कुछ चीजें हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है क्या। जरा साथियों, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अधिनियमित किया गया, और इस अधिनियम के तहत बहुत महत्वपूर्ण 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाता है। और इसके तहत लगभग
पूरे देश के 2/3 आबादी कवर हो जाती है। इसके तहत साथियों लोगों का नाम से स्पष्ट है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि भारत में अभी भी गरीबों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो गरीबी है उसका सीधा सीधा असर हम लोग को कुपोषण पर दिखता है। अगर सही मात्रा में पोषण का संतुलन शरीर में नहीं रहेगा तो वो मजदूर जो है उनका जो जीवन प्रत्याशा है धीरे धीरे कम होता जाएगा और अनेक प्रकार की कई समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उसके मद्देनज़र ही ये अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। उससे पहले भी राशन बांटे जाता था, लेकिन जब एक बार कानून बन गया तो अब कानून का उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये न्यायालय जा सकते हैं। तो कानून बन जाने से किसी योजना को ताकत मिल जाती है। तो यह 2013 से अधिनियम बनाया गया था, तो इसमें जो खामियां क्या थी, क्योंकि उन्हीं खामियों के कारण एक राष्ट्र एक राशन कार्ड को लाया गया था। तो पहली बात तो जो भी इसके लाभार्थी होते थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के, तो उनको एक ही उचित मूल्य की दुकान से राशन लेना पड़ता था, किसी और दुकान से वो नहीं ले सकते थे। ये जो फेयर प्राइस शॉप है, अगर मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभार्थी हूँ तो मेरा पंजीकरण जिस उचित मूल्य की दुकान में है मैं केवल वहीं से ले सकता हूँ और दूसरी जगह से नहीं ले सकता हूँ। आपको ये भी पता होगा भारत जैसे देश में मजदूर या फिर व्यक्ति लोग अपने कार्य आजीविका की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं। यह तो हो गया अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास भी होता है एक ही राज्य के अंदर कोई व्यक्ति आजीविका की तलाश में एक जिला से दूसरे जिला की ओर जाता है। तो जब प्रवासन होता है तो मजदूर नई जगह पर अपना राशन प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसको एक ही उचित मूल्य के दुकान से राशन वितरित की जाती थी। तो ये जो प्रवासी मजदूर थे ये उनको बड़ी समस्या होती थी, उनको राशन नहीं मिल पाता था, मजबूरन वो अत्यधिक कीमत पर बाहरी दुकानों से लेते थे और ये सरासर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन था। आगे अब दूसरे राज्य पर चले गए या दूसरे जिले में चले गए तो उनको वहां से मिल सकता था, लेकिन कैसे मिलता, आपको वहां नया आवेदन देना पड़ता और आपको एक बहुत ही कठिन जटिल दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना हो पड़ता था, जो एक प्रवासी मजदूर के लिए किसी भी तरीके से व्यवहारिक रूप से यह कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में प्रशासन में लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार की स्थिति आप जान रहे हैं। तो प्रावधान होने के बावजूद प्रवासी मजदूर इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे, इसीलिए देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की आवश्यकता थी और इसी को लाया गया। कब लाया गया, तो 19 अगस्त 2019 को लाया गया, 9 अगस्त 2019 को इसको लाया गया है। ये देखेंगे तो यह एक टेक्नोलॉजी बेस्ड संचालित एक योजना है और इसमें उद्देश्यों को देखेंगे तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों के देशव्यापी पोर्टेबिलिटी, यानी कि जो राशन कार्ड है अब आप किसी भी राज्य में जाइए, चाहे आप किसी भी जिला में हो, अपने मूल जिला को छोड़कर अपने मूल स्थान को छोड़कर अगर आप भारत में कहीं भी हैं तो आप वहां जाइए और आप अपना राशन ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि यह कैसे होगा। तो इसके लिए 3 जरूरी चीज़ें हैं, जो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पहले उसको किया गया कंप्यूटराइजेशन करने के बाद वहां लाया गया क्या ईपीओएस। ईपीओएस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और इसको किससे जोड़ा गया, तो और ईपीओएस के साथ क्या होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए, और इसको किससे जोड़ दिया गया, आधार से। अब कोई भी व्यक्ति जाएगा किसी भी उचित मूल्य की दुकान में, उसका राशन कार्ड उसके आधार से जुड़ा होगा और इस ईपीओएस से जुड़े स्कैनर पर वो अपना थंब प्रेस करेगा और उसको वहां से राशन मिल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन होने से देश के सभी पीडीएस आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं। लेकिन इसमें कई समस्या है साथियों, ये जो स्कैनर होते हैं देखने में आ रहा है कि ये जल्दी से स्कैन नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन हो रहा है। तो तकनीक को जब भी लागू किया जाए तो उसके तो
तो उसकी खामियों को भी आप यहाँ देख रहे हैं कि पूरी व्यवस्था होने के बावजूद वो स्कैनर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये कंप्यूटर और ये स्कैनर किससे चलेंगे? इंटरनेट से चलेंगे, और गाँवों में तो नेटवर्क होता नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से होएगा? तो इसके संचालन में थोड़ी प्रॉब्लम है, खासकर अगर बस्तर जैसे इलाके में आपको तो फोन में बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है, तो आप वहां कैसे ईपीयूएस को चलाएंगे? तो बड़ी समस्या है, इसको दूर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि अगर किसी को थंब इंप्रेशन के कारण अगर राशन नहीं मिल पा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, और ये सरासर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन है। तो अभी इस वन राशन कार्ड से जुड़ने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो बिहार था, क्योंकि बिहार के ही लोग आजीविका की तलाश में दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र जैसे जगहों पर जाते रहते हैं, और बाला साहब ठाकरे प्रसिद्ध हैं, जो महाराष्ट्र में बाहर से काम करने आते थे तो उनके खिलाफ प्रतिरोध या विरोध दर्ज करने के लिए, और महाराष्ट्र में तो काफ़ी गैंगवार भी रहता है, चलता है, क्योंकि वहाँ के लोग खुश नहीं है ये जो बिहारी आजीविका की तलाश में आते हैं। लेकिन एक राष्ट्र है तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, जहर घोल कर किसी का भला नहीं हो सकता, प्रेम भाव से दुनिया चलती है। तो यहां पहला राज्य था बिहार, और दूसरा और जो अंतिम राज्य है ये छोटे छोटे फैक्ट हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अंतिम राज्य है असम, पहला राज्य बिहार, अंतिम राज्य है असम, और इसमें अभी तक पूरे के पूरे 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। इस 36 में कौन कौन से? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो ये सभी के सब इससे जुड़ चुके हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब इससे जो प्रवासी मजदूर हैं या कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से कहीं कार्य करने जाता है तो उसको आसानी से राशन मिल पाएगा, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का पालन किया जाएगा। लेकिन कुछ खामियों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और सुझाव के रूप में उसको शामिल करना चाहिए। ये देख रहे हैं कि वह इस योजना को वर्ष 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो यह योजना कब आई थी? तो 9 अगस्त 2019 को। किसके तहत काम कर रही है? इसका कानूनी आधार क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। पहला राज्य कौन था? बिहार। अंतिम राज्य असम था, और पूरे के पूरे जुड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, 36 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आप यहां देख रहे हैं, एक केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और ये कहां पर हैं? तो ये दरअसल तिरंगा उत्सव के समारोह में भाग लिए हुए हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, देख रहे होंगे। तो एक और यह उत्सव कब मनाया जा रहा है, तिरंगा उत्सव? तो 2 अगस्त को मनाया जा रहा है। 2 अगस्त को क्यों? क्योंकि 2 अगस्त को हमारे झंडा के निर्माता पिंगली वेंकैया जी की जयंती है। पिंगली वेंकैया जी ने इस देश की आकांक्षाओं को, इस देश की आशाओं को, इस देश के स्वाभिमान को 3 रंगों में समेटकर प्रतिबिंबित किया था। तो इन्हीं की जयंती को यादगार बनाने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी 75वां सालगिरह में इनकी जयंती को तिरंगा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि ये तिरंगा के रचनाकार थे। इसके साथ कुछ बातें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए। स्वतंत्रता सप्ताह कब से मनाया जा रहा है ये भी आप देख लें, तो 11 से 17 अगस्त तक। सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाना चाहती है। और हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया जा रहा है? तो हर घर तिरंगा अभियान तो यह 13 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है। तो इन सब तारीख में आप अंतर कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनको बारीकी से नहीं देखेंगे तो परीक्षा हाल में आपके साथ गेम तो हो ही जाएगा, अगर इन सभी चीज़ों को आप ध्यान से नहीं गौर करेंगे। तो स्वतंत्रता सप्ताह 11 से 17 अगस्त तक, हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक। देखेंगे 18 नहीं है, ये 13 है और यह 15 अगस्त है। 18 मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो ये है क्या, मिंजर
मेला, ये कहाँ लगता है? मिंजर मेला के बारे में देखिए, तो मिंजर में जो मिंजर मेला है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक भारत और श्रेष्ठ भारत के दौरान इस मेले का चर्चा किया था। दूसरा बात है चर्चा में क्यों है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मेला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। मिंजर का मतलब होता है मक्का का पुष्प, मक्का का पुष्प, और मेला तो आप जानते ही होंगे, तो मक्का का पुष्प जब आता है तब यह त्यौहार हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, और मक्का का पुष्प हिमाचल प्रदेश में कब आता है, तो श्रावण मास का दूसरा रविवार, श्रावण मास का दूसरे रविवार को मिंजर मेला मनाया जाता है। इसी समय मक्का में फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, और मक्का के पुष्प को ही मिंजर कहा जाता है। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं, संयोग की बात है, जब मक्का का फूल खिल रहा था, लहरा रहा था, उसी समय 935 ईस्वी में वहाँ के राजा ने जीत हासिल की थी, उन्हीं की जीत की उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया गया, और उस दौरान मक्का के फूल भी थे, इसीलिए इसको मिंजर मेला के नाम से जाना जाता है। और इसमें और भी चीजें हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर पारंपरिक गीत भी गाया जाता है जिसका नाम कुंजरी मल्हार है। कभी भी परीक्षा में पूछेगा कि कुंजरी मल्हार किस राज्य का लोकगीत है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश का। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, मिंजर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। अब ये तो हो गया क्या पॉलिटिकल रूप से, इसको भौगोलिक रूप से पूछेगा, मिंजर मेला भारत के किस क्षेत्र में, चंबा घाटी में, लुब्रा वैली में, तो इस तरीके से आपको दे सकता है, तो आप बताएंगे चुंबा वैली में। चुंबा वैली कहाँ है, रावी नदी की सहायक नदी धौलाधार के तट पर है चुंबा वैली, पहले ये कांगड़ा में भी मनाया जाता था। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कल के सुर्खियों के साथ में।